नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों तो आज जो त्रिपल सी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमारे स्टूडेंट के द्वारा हमें मालूम है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, त्रिपल सी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या क्या त्रिपल सी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लिब्रा ऑफिस कल्क में इंसर्ट करने के लिए कौन से शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो जैसा कि आपको हमने बताया था, लिब्रा ऑफिस कर्व में इंसर्ट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस की का मतलब कुंजी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और भी दो चार क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, जैसे हमने कि इसके पहले ही वीडियो में हमने बताया था दोस्तों, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आप अगर ट्रिपल सी की एग्जाम दे रहे हो तो मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आप पूरा वीडियो देख लीजिए तो ट्रिपल सी आप 100% पास हो जाए। क्योंकि देख रहे हैं कि हाइपरलिंक से, जैसा कि हमने बताया हाइपरलिंक का शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस के, बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों। और दूसरा पूछा गया था अंडो और रीडो, UNDO दोस्तों, अंडो एंड रीडो के बारे में पूछा गया। तो दोस्तों अंडो और रीडो है क्या दोस्तों, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अंडो क्या होता है, इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस जेड होता है दोस्तों। जैसे कोई फाइल अगर हमसे गलती से डिलीट हो गई है तो वापस लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड करते हैं, तो वापस लाने के लिए अंडो का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फिर जो डिलीट हो जाए, जैसे जो वापस आई फाइल उसको अगर हटाना हो तो रीडो का प्रयोग करते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा गया था अंडो और रीडो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोस्तों। अगर कोई फाइल डिलीट है तो ये अगर वापस लाएगा तो ये क्या कर देगा, फिर से डिलीट कर देगा। अगर आप कंट्रोल और रीडो का शॉर्ट की कंट्रोल प्लस वाई होता है दोस्तों। तो हमने अपने लिब्रा राइटर में, कल्क में और इम्प्रेस में इन सारी चीजों के बारे में वर्णन किया है दोस्तों। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए हमारा ट्रिपल सी एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके देखेंगे तो उसमें सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। और मैं गारंटी ले रहा हूं, वहां से जैसे हमने इम्प्रेस का भी है, कल्क का भी है आपका, और जो आपका राइटर का है, प्लस मेमोरी का हमने बनाया है, प्रिंटर का बनाया है, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, प्लस आपका जनरेशन से जो भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे उसमें सारे सारे क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो हम कहेंगे एक बार उसको देखिए, 10 से 12 मिनट है, आप ट्रिपल सी का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उन सारे वीडियो को अवश्य देखें, और दो तीन बार देखेंगे तो आपके सारे दिमाग में क्लियर हो जाएंगे दोस्तों कौन से क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। दूसरा क्या क्वेश्चन है दोस्तों, पी पॉस, पॉस जो होता है दोस्तों वो थर्मल प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है। पॉस जो प्रिंटर होता है दोस्तों वो थर्मल प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत में इंटरनेट के माध्यम से लेन देन कब प्रारंभ हुआ था, भारत में इंटरनेट से लेन देन माध्यम 1996 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। इससे पहले भारत में इंटरनेट के द्वारा लेन देन नहीं किया जाता था। दूसरी बात पूछा गया ओटीपी से, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, पूछा गया ओटीपी का पिन कितना होता है दोस्तों। देखिए हम अगर देखेंगे तो ओटीपी एक सिक्योर होता है दोस्तों, क्योंकि ये आपके मोबाइल पर आता है, ये मैसेज कहां आता है, जो एसएमएस आता है ओटीपी, ओटीपी हमेशा, देखिए दोस्तों ओटीपी जो पिन हमेशा आता है वो आपके मोबाइल पे एसएमएस के माध्यम से आता है। यदि आप बैंकिंग के थ्रू करते हैं, यदि देखिए इसमें दिया है कि ओटीपी का पिन 4 से 6 होता है, दोनों होते हैं, नेट या ऑनलाइन में बैंकिंग या एटीएम पिन का प्रयोग, सॉरी ऑनलाइन में बैंकिंग में एटीएम पिन का प्रयोग नहीं होता, सॉरी प्रयोग होता है दोस्तों। तो हम बता रहे हैं जो ओटीपी पिन है दोस्तों, ये क्या है आपका एक तरीके से पिन, जब आप या बैंकिंग खरीदारी करते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड से या एटीएम से या ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं दोस्तों, तो बैंकिंग में एटीएम, सॉरी एटीएम में, सॉरी ये आपका कुछ कुछ और था, ये आपका बता रहे ओटीपी पिन 4 से 6 होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, 4 से 6 होता है जब आप ऑनलाइन बैंकिंग में करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग में कुछ खरीदारी करते हैं तो ये आपकी पिन आता है आपके मोबाइल पे। फिर क्या, बैंकिंग में एटीएम पिन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि बैंकिंग में जब आप करते हैं तो देखिए ओटीपी पिन दूसरी बात है और पिन जो है दूसरी बात, एटीएम पिन ये एटीएम कार्ड के द्वारा ही प्रयोग होता है दोस्तों। एटीएम पिन एटीएम कार्ड के द्वारा जब आप बैंक से पैसा निकालने जाते हैं तो उसमें पिन अपना डालते हैं, और एटीएम पिन तब वहां पे डाल देते हैं। लेकिन ओटीपी में जैसे एटीएम पिन का प्रयोग नहीं होता, एटीएम में पिन का प्रयोग नहीं होता दोस्तों, बैंकिंग में एटीएम पिन का प्रयोग नहीं होता। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो होता है ओटीपी में 4 से 6 पिन होते हैं, नेट या ऑनलाइन बैंकिंग एटीएम पिन का प्रयोग नहीं होता। मतलब ओटीपी का तो होता है, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, इसीलिए हम क्लियर करें, जैसे कि दो पाली में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। फिर क्या कह रहा है,
ओटीपी कभी भी एक दूसरे को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं दोस्तों, ये आप जब भी आप देखेंगे आपके मैसेज आएगा तो ओटीपी को कभी भी शेयर ना करें, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो हो सकता है, क्योंकि जो बंदा अगर शॉपिंग कर रहा हो, अगर ओटीपी, अगर आपको कोई ओटीपी मैसेज आया, आप शेयर करते तो आपका बैलेंस कट जाता है दोस्तों। तो ये आप एक सिक्योर कोड होता है। दूसरा है कि मुद्रा योजना के तहत हमको कितनी राशि तक लोन ले सकते हैं, तो 5 लाख रुपए तक लोन ले लिया जा सकता है दोस्तों। जो मुद्रा राशि होती है वो 5 लाख रुपए तक लोन लिया जा सकता है। सबसे ज्यादा केवल मेष टेपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। जो मेष टेपोलॉजी, उसमें केबल की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक होती है। तो विंडोज 10 में टाइम और डेट लगाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, टाइम और डेट लगाने के लिए एक आइकॉन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लॉक आइकॉन। अगर आपको विंडोज 10 में कभी कभी टाइम और डेट नहीं शो करता तो वहां पे आपको आइकॉन ही लेगा क्लॉक आइकॉन, अगर उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो टाइम और डेट अपने आप आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पे आ जाएगा दोस्तों। तो ये होता है। दूसरा क्या है, एमएमआईडी में 5 डिजिट के कोड होते हैं दोस्तों। कितने डिजिट के कोड होते हैं, 5 डिजिट के कोड होते हैं। बिटकॉइन के फाउंडर आपके संतोषी निकमैटो है दोस्तों। तो सतोशी निकमैटो है दोस्तों। तो ये जो आपके बिटकॉइन के फाउंडर है। देखिए दोस्तों फिर क्या पूछा है, इंकजेट प्रिंटर की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। मतलब कौन से प्रिंटर की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर होती है उसकी क्वालिटी क्या होती है सबसे अच्छी होती है। तो हमने प्रिंटर के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वहां पे जाकर भी आप अपना ये क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रिंटर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। IPv6 128 बिट का होता है दोस्तों। कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है। दूसरी बात है टाइगर। टाइगर क्या होता है दोस्तों, एक स्लाइड होता है। एक क्या होता है, टाइगर एक स्लाइड होता है जिस पर क्लिक करने पर यह कार्य करता है, मतलब क्रिया करता है, मतलब कुछ कार्य ओपन हो जाते हैं। टाइगर क्या है पूछा, टाइगर क्या, टाइगर एक स्लाइड होता है दोस्तों जिसके ऊपर क्लिक करने पे क्या करता है, क्रिया करता है। परम आर्ट्स कंप्यूटर इंडिया में कहां पे है दोस्तों, पुणे में। तो परम आर्ट्स कंप्यूटर ये आपके पुणे में। इससे पहले भी परम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा जो परम कंप्यूटर बनाया गया है दोस्तों। दूसरा है सारथी। देखिए सारथी दोस्तों दो है, जैसे कि अगर आप टू व्हीलर का जब लाइसेंस बनाते हैं, टू व्हीलर का मतलब कि आईडी कार्ड बनाते हैं, तो वहां पे सारथी आपको वेब ब्राउजर पे जाएंगे तो वहां से अपना क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे जो फॉर्म भरा जाता है, जैसे कि हम टू व्हीलर के लिए आईडी कार्ड बनाते हैं जिसे, तो वहां पे भी सारथी वेब ब्राउजर पे। लेकिन इसमें क्या है, ये रेल के लिए दोस्तों सारथी। तो क्या है, सिग्नाइट एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। जो क्या है, एडवांस एक एप्लीकेशन है जो आपको रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन में सहायता प्राप्त करेगा। तो सारथी का ये फुल फॉर्म है। यदि हम IRCTC में टिकट बुक करते हैं दोस्तों, हमको एक ईमेल प्राप्त होता है, हमेशा एक ईमेल प्राप्त होता है के बाद हमेशा क्या होता है, हमें ईमेल प्राप्त होता है। ईमेल क्या है दोस्तों, बताया गया ईमेल कभी भी दो लोगों का सेम नहीं हो सकता है। आप देखते हैं जब किसी नाम से आप ईमेल भरते हैं, अगर उस नाम से ईमेल पहले ही बन चुका तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इस नाम से ईमेल बना सकते हैं। कभी भी दो फ्रेंड या दो दोस्तों या किसी भी दो रिलेशन वालों के एक समान ईमेल नहीं हो सकते दोस्तों। इस टाइम देखिए अमेजन फ्लिपकार्ट स्नैपडील जो दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये किस टाइप के B2C होते हैं, मतलब बिजनेस टू कस्टमर होता है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर होता है। ये किस प्रकार के, मतलब कहते हैं ये किस प्रकार के बिजनेस में यूज होते हैं, तो बिजनेस टू कस्टमर के यूज होते हैं दोस्तों। ये B2B C2C जो आपके बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो ये हमेशा अमेजन के बारे में पूछ दे रहा है या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील, तो ये जानते रहिए। जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग, हमने पहले ही वीडियो में बता दिया, जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग होते हैं दोस्तों, जो भी शॉप है, तो वो हमेशा बिजनेस टू कस्टमर होता है दोस्तों। क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर होता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार पूछे भी जा रहे हैं। देख रहे हैं आपका जैसे कि IPv6 जो है 128 बिट का होता है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन और भी बार बार पूछा जा रहा है, जैसे कि हमने बताया था अंडो क्वेश्चन का बार बार पूछा गया है। स्प्रिंट प्रीव्यू के लिए बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि Ctrl+F12, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम कहेंगे दोस्तों आप जाके पहले इंप्रेस और कल और आपका जो दोस्तों राइटर उसको अच्छे से तैयार कर लिए, मेमोरी का अच्छे तैयार करिए, जहां जिससे आप अगर ट्रिपल सी की एग्जाम अभी तक नहीं दिए तो प्लीज उसको जाके तैयार करिए, जाना आपको
बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा दोस्तों। और डेली का डेली आप देखते रहेंगे तो भी बहुत सारे हेल्प मिलेंगे, जो क्योंकि क्वेश्चन जो हो रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। जैसे एटीएम इस बार देख रहे हैं, एटीएम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या तो जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो यहाँ से भी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमको आपको जो भी क्वेश्चन प्रस्तुत हो रहे हैं दोस्तों, हम डेली आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।